राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दिल्ली की मशहूर कचालू बनाने की रेसिपी। दिल्ली में आपने इसे अक्सर पार्टियों में और चाट में डला हुआ खाया होगा। घर में आसानी से इसे कैसे बनाया जा सकता है, आज मैं आपको बताती हूँ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम कचालू लिए हैं, 5-6 हरी मिर्च, अदरक के 2 टुकड़े और 2 नींबू। कचालू को हमने धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। ये कचालू कुछ बड़े लग रहे हैं, इनके 2 टुकड़े कर लेते हैं जिससे ये आसानी से अंदर तक अच्छे से गल जाएं। अब इन सभी को कुकर में डाल लेते हैं और आधा कप पानी डालकर मीडियम गैस पर 2 सीटी ले लेते हैं। सीटी आ गई है, गैस को बंद कर देते हैं। स्टीम निकल गई है, कुकर को खोलकर कचालुओं को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चाकू आसानी से जा रहा है। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कचालू ठंडे हो गए हैं, इन्हें छील लेते हैं। कचालू छिल गए हैं, अब कचालू को इस तरह छोटे छोटे पीसों में काट लीजिए। ये कुछ इतने मोटे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पतले होने पर ये टूटकर चूरा हो जाएंगे और मोटे होने पर मसाला अच्छे से नहीं चढ़ेगा। इसी तरह से सारे कचालू काट लेते हैं। सारे कचालू अब कट कर तैयार हो गए हैं, अब इनका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसका मसाला बनाने के लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। ये मैंने एक बड़ी इलायची ली है। इलायची का छिलका निकाल कर इसे डाल लेते हैं। साथ ही डाल लेते हैं 4-5 लौंग और 8-10 काली मिर्च। इन सभी को दरदरा कूट लेते हैं। मसाला कूट कर तैयार है, इसे कचालू में डाल लेते हैं। साथ ही डाल लेते हैं अदरक, जो मैंने पहले से ही बारीक काट के रखा हुआ था, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक और साथ ही हम इसमें 2 नींबू निचोड़ लेते हैं। खट्टा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिला लेते हैं। इसे आप कांच या स्टील के बर्तन में ही रखें। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है और खुशबू भी मस्त आ रही है। इसे आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। आप भी इसे घर में झटपट बनाइए, चटनी अचार की जगह से खाने के संग खाइए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको कचालू कैसे लगे। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।